तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज मैं आपको पिक्सल मोड देने वाला हूँ फॉर माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के लिए, जिसे आप पॉकीमोन मोड भी कह सकते हो। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ आपको कैसे लेना है। तो गाइस देख ही सकते हो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। तो गाइस पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर आपको डाउनलोडिंग प्रोसेस बताऊँगा। तो गाइस आप पूरी वीडियो देखना, तभी आपका ये वर्क करेगा। अगर आप फुल वीडियो नहीं देखोगे, स्किप कर जाओगे, तब आपका ये नहीं वर्क करेगा। तो गाइस देख ही सकते हो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। और गाइस मेरा पूरा टेक्स्चर चेंज हो चुका है, और आप देख सकते हो कितना बढ़िया टेक्स्चर आ रहा है यहाँ पर आपको। यहाँ पर पहले यहाँ पर मिल ही जाएंगे पॉकीमोन थोड़े से, आप बफर फ्रीज के नाम से होगा कुछ। आप बढ़िया यहाँ पर पॉकीमोन मोड है। अगर आपको पॉकीमोन्स को स्पॉन करना है तो आपको इन्वाइटरी पे आ जाना है। इन्वाइटरी पे आने के बाद आपको नीचे की तरफ का स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे पॉकीमोन्स देखने को मिल जाएंगे। देख सकते हो गाइस कितने सारे आपको यहाँ पर पॉकीमोन्स देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस यहाँ पर आपको फ्लोर आइटम भी देखने को मिल जाती है। आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी बढ़िया आपकी ये फ्लोर आइटम देखने को मिल जाती है। तो आपको यहाँ पर फ्लोर पे आप इसको रख भी सकते हो। तो गाइस आपको बहुत सारे यहाँ पर पॉकीमोन्स मोड देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस मैं आपको सारे दिखा भी देता हूँ। तो गाइस देख ही सकते हो यहाँ पर आपको हीलिंग मशीन भी देखने को मिल जाती है। जैसे पॉकीमोन में होता है हीलिंग मशीन भी होती है, वैसे आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाती है हीलिंग मशीन। और आपको बहुत सारा यहाँ पर मिल जाएंगे पॉकीमोन्स, आप स्पॉन भी कर सकते हो। और आप अगर सर्वाइवल में हो तो आप इसको क्राफ्ट भी कर सकते हो। जो वेबसाइट मैं आपको दिखाई थी वहाँ पर आपको सारी रेसिपीज दिख जाएंगी। तो गाइस देख ही सकते हो यहाँ पर आपको स्लॉट मशीन और पीसी भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप बाय चीज़ें और बहुत सारा कुछ कर सकते हो। तो देख सकते हो कितना बढ़िया ये पीसी लग रहा है। यहाँ पर आप बाय और सेल भी कर सकते हो, सारी कोई भी आइटम आप अगर सेल करना चाहते हो तो। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको ट्रेड के ऊपर क्लिक कर देना, और आप देख सकते हो यहाँ पर आप कुछ भी यहाँ से ट्रेड कर सकते हो इसको लेके। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर कितने सारे आप ट्रेड कर सकते हो गोल्ड के बदले, और आप बहुत सारा कुछ ले सकते हो यहाँ पर ऑनलाइन। तो मिल जाते हो आपको बहुत सारे पॉकीमोन्स देखने को भी मिल जाते हैं। आपको टीम रॉकेट भी देखने को मिल जाती है। आपको यहाँ पर स्पॉन करके भी दिखा देता हूँ। देख ही सकते हो यहाँ पर टीम रॉकेट भी देखने को हमको मिल जाती है। हम इसे मार भी सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर ये स्पॉन हो चुका है, इसका नाम आपको पता ही होगा, यहाँ पर लिखा भी आ रहा है। और आप देख सकते हो यहाँ पर टीम रॉकेट स्पॉन हो चुकी है। और आप अगर इसको मारोगे तो आपका ये फिर से आपको ये कुछ ना कुछ स्पॉन कर लेंगे पॉकीमोन्स। ट्रेड भी कर सकते हो आप बहुत अच्छे से। देख सकते हो यहाँ पर ट्रेड्स भी दे रहे हैं ये। अगर आप सर्वाइवल में हो तो ये आपको बहुत ज़्यादा, अगर आप इसको मारोगे तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा मारेंगे ये, इसलिए आपको इसको डैमेज नहीं करना है सर्वाइवल में हो तो। क्रिएटिव में हो तो आपको कुछ नहीं कहेंगे ये वैसे तो। अगर आपको बहुत सारा कुछ ये स्पॉन करने को यहाँ पर मिल जाता है। और गाइस आपको यहाँ पर देख सकते हो पीसी भी आपको देखने को मिल जाता है, और आपको स्लॉट मशीन भी देखने को मिल जाती है। तो गाइस देख सकते हो कितनी बढ़िया स्लॉट मशीन है यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पर आपको बहुत सारे पॉकीमोन्स देखने को मिल जाते हैं। जो आपको पॉकीमोन में देखने को मिलते हैं वो सारे आपको यहाँ पर पॉकीमोन्स मिल जाएंगे। आप यहाँ पर क्राफ्ट और इनको स्पॉन भी कर सकते हो, और इनके साथ प्ले भी कर सकते हो आप बहुत अच्छे तरीके से, और इन्जॉय कर सकते हो अपनी गेम को। और गाइस मैंने आपको दिखा तो दिया, मैं आपको डाउनलोडिंग प्रोसेस बता देता हूँ। तो गाइस मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ इस वेबसाइट का, आपको वहाँ पर जाना है। वहाँ पर जाने के बाद नीचे की तरफ को आपको स्क्रॉल करना है, और यहाँ पर आपको सारी रेसिपीज देखने को मिल जाएगी। आप अगर सर्वाइवल में हो तो यहाँ पर आप सारी रेसिपीज भी देख सकते हो कैसे कैसे इनको क्राफ्ट करना है। तो गाइस आपको लास्ट पे चले जाना है। गाइस जैसे मैं जा रहा हूँ आपको भी वैसे ही लास्ट पे चले जाना है। तो गाइस देख ही सकते हो यहाँ पर मैं लास्ट पे आ चुका हूँ। लास्ट पे यहाँ पर लिखा हुआ आएगा डाउनलोड्स के नाम से होगा। आपको क्या करना है, आपको जो पहले वाला बिहेवियर्स के नाम से होगा आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको क्लिक हेयर टू कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। और क्लिक हेयर टू कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का फेस ओपन हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, आपको अलाउ नहीं करना, आपको ब्लॉक कर देना है इसको। तो गाइस आपका थोड़ा सा ये 5-6 बार ऐसा करेगा, फिर आपको ब्लॉक ही करना है, आपको अलाउ नहीं करना है। तो 5-6 बार अगर आप करोगे तो आपका ये
अपने आप एक मीडिया फाइल का पेज ओपन हो जाएगा। तो गाइस देख ही सकते हैं यहाँ पर परमिशन ले रहा है और आपको इसको क्या करना है, ब्लॉक कर देना है। ब्लॉक करने के बाद देख ही सकते हो आपको दो तीन बार ब्लॉक करना पड़ेगा यहाँ पर, फिर आपका इसका पेज ओपन होगा। फिर से आपको ओपन हो चुका है, फिर आपको क्लिक दिस लिंक के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और आपको एक मीडिया फाइल लिंक के ऊपर आने के बाद आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। तो गाइस डाउनलोड होने के बाद आपको फिर से बैक आ जाना है और बैक आने के बाद आप देख सकते हो आपको तीन चार बार इसको बैक कर देना है और गाइस आपको वो वाली वेबसाइट पर ही चले जाना है। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर मैं बैक आ चुका हूँ और गाइस मैंने बिहेवियर तो डाउनलोड कर लिया, अब मैं रिसोर्सेज भी डाउनलोड कर लेता हूँ। तो गाइस आपको रिसोर्सेज के ऊपर क्लिक करना है और आप यहाँ पर फिर से आ जाओगे क्लिक हेयर टू कंटिन्यू, फिर से आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और आप फिर से आप एक पेज के ऊपर ओपन हो जाओगे। फिर आपको यहाँ पर ब्लॉक कर देना है, आप फिर से तीन चार बार अगर आप ब्लॉक करोगे आपको मीडिया फाइल लिंक के ऊपर चले जाएगा। तो गाइस उसके बाद आपको एक स्किप एड्स कर लेना है यहाँ पर ऊपर की तरफ, अगर गाइस आपको स्किप एड्स की तरफ बोलता है तो आप स्किप भी इसको कर सकते हो। तो गाइस मैं ब्लॉक भी कर देता हूँ इसको। तो गाइस देख ही सकते हो यहाँ पर मैंने तीन चार बार ब्लॉक के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर फिर से एक पेज ओपन हो चुका है। फिर आपको फिर से यहाँ पर क्लिक दिस लिंक के ऊपर क्लिक करना है और फिर से आप एक लिंक के ऊपर मीडिया फाइल के ऊपर आप आ जाओगे। तो गाइस उसके बाद आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। तो गाइस डाउनलोड करने के बाद आपको जेड्डा अचीवर ऐप में आ जाना है। जेड्डा अचीवर ऐप में आने के बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको डाउनलोड्स का फोल्डर मिल जाएगा, आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको जो मोड पैक अप बिहेवियर रिसोर्सेज पैक वाला आपको वो ढूंढ लेना है। तो गाइस यहाँ पर देख ही सकते हो मेरे को मिल चुका है, यहाँ पर आपको बिहेवियर और रिसोर्सेज पैक आपका यहाँ पर मिल जाएगा और बी और आर लिखा होगा यहाँ पर। पहले आपको क्या करना है, आपको बिहेवियर पैक्स को ले लेना है। तो गाइस बिहेवियर पैक्स को ले लेना, आपको यहाँ पर इसको कट कर लेना है और कट करने के बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको गेम्स के फोल्डर पर चले जाना है और गेम्स के फोल्डर पर जाने के बाद आपको कॉम डॉट मोजंग में चले जाना है और यहाँ पर आपको फिर बिहेवियर पैक्स पर आ जाना है और बिहेवियर पैक्स पर आने के बाद यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। तो इस पेस्ट करने के बाद आपको बैक आ जाना है, बैक आने के बाद आपको फिर से यहाँ पर डाउनलोड्स के फोल्डर पर चले जाना है। तो गाइस यहाँ पर देख ही सकते हो मैं डाउनलोड्स के फोल्डर पर आ चुका हूँ। तो गाइस देख ही सकते हो यहाँ पर जो आपका रिसोर्सेज पैक रहता है उसको आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इसको भी कट कर देना है, सेम प्रोसेस करना है सारा, जैसे हमने बिहेवियर पैक्स के साथ किया था वैसे आपको सेम प्रोसेस इसके साथ भी करना है। आपको फिर से बैक आ देना, बैक आने के बाद आपको गेम्स के ऊपर क्लिक कर देना है, फिर आपको कॉम डॉट मोजंग में चले जाना है और आपको बिहेवियर की जगह रिसोर्सेज पैक पर आ जाना है। रिसोर्सेज पैक पर आने के बाद आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो गाइस पेस्ट करने के बाद आपको बैक आ जाना है, बैक आने के बाद आपको सब कुछ क्लियर कर देना है। तो गाइस फिर आपको माइनक्राफ्ट को ओपन कर लेना है। तो गाइस उसके बाद आपको क्या करना है, आपको प्ले के ऊपर क्लिक कर देना है और प्ले के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको वर्ल्ड जनरेट कर लेना है, पुराने वर्ल्ड में भी कर सकते हो। तो गाइस उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सर्वाइवल या क्रिएटिव में कर लेना है। तो गाइस आप सर्वाइवल में ही करना क्योंकि सर्वाइवल में आपको ही मज़ा आएगा इसमें, इसलिए आप सर्वाइवल में करना। अगर आप क्रिएटिव में करना चाहते हो तो आप क्रिएटिव में भी कर सकते हो। तो इसके बाद आपको नीचे के तक स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको एक्सपेरिमेंट्स का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो गाइस चारों को आपको इनेबल कर लेना है और इनेबल करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे के तक स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको बिहेवियर पैक्स के ऊपर आ जाना है। बिहेवियर पैक्स के ऊपर आने के बाद आपको माई पैक्स के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर पर मिल जाएगा SERP पॉकी रॉक के नाम से, बिहेवियर के नाम से होगा, आपको उसको एक्टिवेट कर लेना है। तो गाइस एक्टिवेट करने के बाद आपको देख लेना एक्टिवेट हो चुका है। तो गाइस अगर आपका एक्टिवेट हो चुका है फिर आपको रिसोर्सेज पैक पे आ जाना, रिसोर्सेज पैक पे आने के बाद आपको माई पैक्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर पे फिर से मिल जाएगा SE पॉकीमोन रिसोर्सेज पैक वाला, आपको उसके ऊपर क्लिक करके इसको भी एक्टिवेट कर लेना है। तो एक्टिवेट करने के बाद आपको यहाँ पर एक्टिवेट पे देख लेना एक्टिवेट हो चुका है। तो गाइस अगर आपका एक्टिवेट हो चुका है फिर आपको क्रिएट के ऊपर क्लिक करके अपने वर्ल्ड को जनरेट कर लेना है।
तो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों का जरूर शेयर करना इस पिक्सल मोड को, क्योंकि वो भी ये पिक्सल मोड डाउनलोड कर पाएँ। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।